है, लेकिन मेरे नबी की कुर्बानियां किसी को याद नहीं आ रही है। बहुत बहुत अफसोस होगा उस टाइम पे जब सब लोग खड़े हुए होंगे, आप एक नेकी के लिए तरसेंगे, सिर्फ एक नेकी के लिए। ना आपकी माँ आपको वो नेकी देगी, ना आपकी बीवी देगी। जिस दुनिया से आप मोहब्बत कर रहे हैं, वो आपको उस चीज की कोई नेकी नहीं देगा। सिर्फ आपने, आपको सारा पता है मैदाने हश्र में क्या होगा उस टाइम पे। हर कोई, जितने पैगंबर हैं, हर कोई तरसेगा इस चीज के लिए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत कहेंगे, तो उम्मत क्या कर रही है? कर रही है अकदा? मैं जानना चाहती हूँ। मैं आती हूँ, बोल के चली जाती हूँ, अपना हक अदा करके चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह को जो है वो आंख खुला के उससे बात करनी है, अपना फर्ज अदा करना है। और ये सही बात है, ये जो काम है ये पूरी तरीके से बिगड़ गई, अपने असूलों से, अपने नबी के रास्तों से भटक गई, इसलिए उसके साथ आज ऐसा जो हो रहा है वो आज इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। जो गवर्नमेंट इतना कब्जा किए हुए है और जो उसके साथ ऐसा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि वो अपने दिखाए हुए अपने नबी के रास्ते से भटक गई है, तब उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्यों आप नबी के रास्तों पे नहीं चल रहे हैं? क्यों आप उनको भूलते जा रहे हैं? क्यों आप उनकी कुर्बानियों को भूल रहे हैं? मैं उसका कर रही हूँ। और अल्लाह ताला दूसरी कौम में से लोगों को खड़ा करता है, चाहे वो किसी औरत को खड़ा करे और चाहे वो किसी आदमी को खड़ा करे। जो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम क्यों बोल रही हो, अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उस मजहब के होके आप उस चीज को नहीं बोलते हैं। एक औरत आके, एक लड़की आके बिना पर्दे के उस चीज का अदब करते हुए अल्लाह का पैगाम आपको दे रही है, तो वो भी आपको बुरा लग रहा है आज। वो भी लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे हम? हम बोलेंगे क्योंकि हमें अल्लाह को दिखाना है, दुनिया को नहीं दिखाना है। कोई धर्म, कोई सनातन धर्म गलत नहीं सिखाता। चोरी करना, मारना, किसी का दिल दुखाना, किसी के जुल्म करना नहीं सिखाता। जो ये मुझे सिखाते हैं सनातन धर्म ये कहता है, खुद नॉलेज की कमी है। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में लेके आइए आप लोग। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, मुसलमानों से भी, कि आप लोग सिर्फ बुकिश है, सिर्फ कुरान पढ़ते हैं आप, अगर आप उसको प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप अगर अपने नबी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकेगा। आपका पड़ोसी भूखा है तो अगर आप उसको खाना खिलाएंगे तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आप जिसको जरूरत है, आप मस्जिदों के अंदर देख के आ रहे हैं कि वहां सीमेंट की जरूरत है, मस्जिद बन रही है। एक भूखा आपके सामने पड़ा हुआ है, उसे रोटी की जरूरत है, उसके घर रोजा उतारने के लिए पानी, खजूर नहीं है, उसके पास खाना नहीं है, आप लोग उसको खाना नहीं दे रहे हैं। आप मस्जिद में जाके जो है उसकी तामीर में उसकी बोरी सीमेंट की देके आ रहे हैं। वो चीज सही है? अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह ये चाहता है कि आप मस्जिद बनवाइए, अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा भूखा है आप उसको खाना दे? बताइए आप क्या हक अदा कर रहे हैं? और सीख हमें देते हैं? मैं अपना हक अदा पूरा कर रही हूँ। मुझे पर्दों में बांधने की, मुझे किसी चीज में किसी की जरूरत नहीं है। और जो मेरा काम है वो आखिरी सांस तक मैं करती रहूंगी, क्योंकि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसको मैंने समझा है, दिल से समझा है। आप लोगों की तरह नहीं किया है कि उस चीज के अंदर हो के आप उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप लोग, आपकी जो फर्ज है, जो ज़कात देना है, जो चीज करनी है, आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं। मेरे को रोना आता है, क्यों? क्योंकि मुझे अपने नबी का ख्याल आता है, उनकी सेक्रीफाइस याद आते हैं, उनकी कुर्बानियां याद आती हैं। और ये उम्मत उनको भूल रही है। सिर्फ कपड़ा, खाना, ये सारी चीजें कि हमारे दस्तरखान बड़े होने चाहिए। अरे उन्हें देखिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो नमाज जो सहरा के अंदर डेजर्ट एरिया में लकड़ियों के ऊपर खड़े हुए अल्लाह का नाम ले रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, और आप लोग अपना, सिर्फ अपना खाना और अपना पीना देख रहे हैं। आप अल्लाह को नहीं देख रहे, आप उसके नबी की कुर्बानियों को नहीं देख रहे। सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने की, खाने को नहीं मिला, अपने नवासों की किस तरीके से कुर्बानियां दी उन्होंने, हर चीज की। आप लोग क्या कर रहे हैं?
भूल चुके हैं, आप अपने रास्ते को भूल चुके हैं, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। और आप लोग कहते हैं, फिर दूसरों को कमेंट करते हैं, आप लोग उस चीज के हकदार हैं, खुद जाए आप उस चीज के हकदार हैं। और मैं सब लोगों से बोलती हूँ कि हम वासुदेव कुटुंबकम की सपना देखते थे, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार चाहते थे, और यहाँ हम हिंदू मुस्लिम में आके भटक गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बुरा है, ये अच्छा है। क्या अपना खून काट के देखो भाई, अपना हाथ काट के देखो, क्या उसका खून अलग है और इसका खून अलग है? और हुजूर जो आए वो तो पूरी मखलूकात के लिए आए, उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। अल्लाह तो कुरान में बार बार कह रहा है, मेरे बंदे तू मुझसे क्यों दूर जा रहा है, तू मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, तू हजार बार गुनाह करके तौबा करेगा, मैं तुझे माफ करूंगा, मैं तुझे माफ करूंगा। लेकिन ये लोग नहीं मानते, कोई नहीं मानता, फिर अल्लाह के पास नहीं जाना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, दिखावे के लिए नहीं है। आप ये बार बार कहो कि हमें नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, क्या ये गलत नहीं है? दिखावा नहीं है इस्लाम के अंदर। हर चीज क्या जो है वो मतलब उस चीज को अलग करके रखा गया है कि दिखावा नहीं करना है। और मैं अगर कुछ चीज कर रही हूँ और दिखा रही हूँ, सिर्फ इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि लोग बुरी चीजों की जो है कॉपी करते हैं, डांस गाने गंदी वाहियात बातें। मैं देखती हूँ मैसेंजर के अंदर, मैं जवाब नहीं देना चाहती, लोग गंदे गंदे वीडियो देखते हैं। क्या आपको मैं इस तरह की रखती हूँ कि आप हमारे पास जो है मैसेंजर के अंदर गंदे वीडियोस भेजेंगे? ये लगता है आप लोगों को? ये चीज है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उम्मत भटक गई, देखता नहीं है कि कौन जो है वो कौन किस तरीके का है और कौन किस तरीके का नहीं है। ये करने के तरीके रह गए हैं आपके। और जो कहते हैं मुझे मैं बोलती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं हाँ मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे अल्लाह ने चुना है। जबान बंद कर सकता है कोई तो करके दिखाए, और जिसके साथ खुदा होता है उसकी जबान कोई नहीं रोक सकता। तकलीफ होती है,